What's up guys and welcome back everyone to another PUBG Mobile video and in this video we're talking about close range guidance. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि जिगल कैसे करते हैं या कुछ भी जिगल करने का सही तरीका, बट मैं उसको बताऊँगा कुछ कॉमन मिस्टेक्स वगैरह वगैरह जो हम लोग करते हैं इन क्लोज कॉम्बैट, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगा इस तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पॉइंट्स पे वीडियो को लेकर चलते हैं। कोई पॉइंट पसंद आए तो यार लाइक बटन दबाओ यार, कमेंट करो, कुछ भी अगर डाउट वगैरह है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलो लेट्स स्टार्ट इट आउट। इस फर्स्ट पॉइंट है अननेसेसरी रीलोड करने का। ठीक है, हम लोग रीलोड कर देते हैं क्लोज कमांड, जैसे हमने एक बंदा मारा हमने रीलोड करना स्टार्ट कर दिया। देखो मेरी गन में भी गोलियां थी और ठीक है मेरे घर में अभी भी गोलियां थी, मैंने फायर करा, मैं फालतू में इसको फायर करा और उसकी वजह से मैं मर गया। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रीलोड अननेसेसरी करना छोड़ दो। अगर आपकी गन में गोली है तो सेव करो, रीलोड मत करो, क्योंकि रीलोड करने से क्या होता है ना, रीलोड करोगे आप तो उस टाइम में बंदा आपका साउंड सुन लेगा रीलोड करने का और आप पुश कर देगा। तो हम लोग गलती कर देते हैं, अगर हमारे घर में 15 गोलियां हैं और हम रीलोड कर देते हैं, 15-20 गोलियां हैं हम रीलोड कर देते हैं फालतू में, जैसे हमने 10 गोली वेस्ट कर दी, हमारे पास एक्सटेंडेड मैक था 40 में 10 वेस्ट करी, 30 अभी भी बचे तो रीलोड करने कोई जरूरी नहीं है, देयर इज नॉट अ नीड टू रीलोड, लेकिन हम रीलोड कर देते हैं एंड वो एक बहुत दिक्कत देता है। सामने वाले स्क्वाड पुश करिए और आप रीलोड कर दोगे तो यू आर डेड। सो ट्राई करना कि अगर आपके घर में गोली है तो रीलोड मत करना, उसी गोलियों में मारना और फिर रीलोड करना जब जरूरी हो तो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग नॉक्ड बंदों को फिनिश करने में अपनी गोलियां सा टाइम वगैरह सब वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पे कोई स्क्वाड पुश कर रही है, ठीक है हमने हमारे पे कोई स्क्वाड पुश कर रही है या फिर 2-3 बंदे भी पुश कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, हम किसी को नॉक कर देते हैं तो हम लोग उसको मारने लग जाते हैं, बट ये ध्यान नहीं देते कि पीछे से उसके बंदे भी आ रहे, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस बंदे को मारने के लिए कि हमको किल चाहिए, भाई केड़ी बढ़ाएंगे यार, लेकिन भाई पीछे स्क्वाड आ रही है, आप एक किल जरूर कर लोगे बट पीछे वाले आपको मार देंगे। इससे बेटर आप ट्राई करो कि आप चारों को ले पाओ, नहीं भी ले पाओगे तो कोई नहीं कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उससे, बट ये नहीं कि आप नॉट वाले बंदे को फिनिश ही करने में टाइम निकाल दो और पीछे वाले स्क्वाड आपको, पीछे वाले जो उसको बंदे हैं आई मीन टीम मेंबर्स, वो आपको आपके ख़त्म कर दें। तो ट्राई करो कि बस अगर आपने एक नॉक किया तो देखो कि दूसरे बंदे आ रहे कि नहीं, अगर क्लोज नहीं है आपके तो ख़त्म कर दो, कोई टेंशन नहीं, बट वो भी पुश कर रहे हैं साथ में, तो जस्ट डोंट शूट दैट नॉक्ड गाय। आप लोग बस वेट करो उनके टीममेट्स के आने का एंड उनको मारो, ठीक है अगर टाइम है तो ही फिनिश करो, लेकिन अगर वो भी सामने पुश करे तो ये नहीं है कि आप नॉट वाले को फिनिश करो, उसके जो टीममेट्स रश कर रहे हैं आप उनको मारो, ठीक है क्योंकि इसी से आप बच सकते हो या कुछ भी, आप उसको फिनिश भी कर दोगे आपको एक किल मिल जाएगा बट उसके टीममेट आपको मार देंगे। तो उससे होगा क्या, अगर आप नॉट वाले को नहीं मारोगे और उसके टीममेट्स को मारने लगोगे तो उससे क्या होगा, एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है यू विल गेन एक्सपीरियंस और आपको पता चलेगा कि आपने गलती क्या करी, कैसे मार सकते थे कैसे। इसे ट्राई करना कि आप उनके अगर स्क्वाड वगैरह पुश करे तो आप उन पर ध्यान देना, ना कि नॉक्ड वाले पे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी सेंसी, आपको सेंसी बनानी पड़ेगी, अपनी सेंसी बनाओ अपनी जाके थर्ड पर्सन की, अगर आप फर्स्ट पर्सन खेलते तो फर्स्ट पर्सन की FPP आई मीन। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे आपको थंब दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में, जो थंब मूव हो रहा है कि मैं थंब से घूम रहा हूँ, ठीक है जब वो नहीं दिखेगा तो मतलब मैं जा रहा यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो ये थंब यूज़ किया मैंने, यहाँ पे मैंने थंब यूज़ किया एम शिफ्ट करने के लिए, इधर भी थंब यूज़ किया एंड ये सब थंब से, ठीक है तो ये मैं जायरो से किया, ये मैं जायरो से किया पूरा एंड सी ये जायरो से किया, तो ये सेंसी मेरी जायरो की भी है थम की भी। थम से जब मैं पूरा रोटेट करना होता है थम यूज़ करता, क्योंकि मैं पूरा फोन नहीं ला सकता ऑब्वियसली, तो थम यूज़ करता। तो देखो सेंसी है ये थर्ड पर्सन है उसको 200 की एंड ADS मेरी 115 है, तो ADS होती है जब आप शूट करते हो वो वाली सेंसी एंड कैमरा सेंसी वो होती है जब आप शूट नहीं करते और अपने थम से कैरेक्टर लाते हो, जायरो से 300 ही रहता है मेरा, ठीक है। तो इससे ये सेंसी आपको सेट करनी, आके ट्रेनिंग में आके सेट करो, आप देखो कि आपकी सेंसी कैसे बनती है कैसे नहीं, एंड आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाले क्लोज रेंज में, ट्रस्ट मी। ये पॉइंट है आपकी मूवमेंट की, ठीक है ये मूवमेंट का पॉइंट है, ठीक है आपको आता है जिगल करना तो दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है और जिगल होता क्या है वो बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर है और मेरा एम, देखो एम भी बिल्कुल सही है और जो मेरा जॉयस्टिक है ना वो पीछे की साइड जा रही है, आगे की तरफ मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, तो पीछे करा करो इसको, चौक हो जाओगे नहीं तो ऐसे आप एम चौक हो जाएगा, तो इसको पीछे खींचा करो, आगे मत खींचना या तो बीच में या पीछे, आगे मत लेके जाना अपने कैरेक्टर को हिप फायर एंड जिगल देते हुए, वरना वो दिक्कत देगा, तो इसको पीछे करना, पीछे करके मारो, देखो पीछे करके ऐसे मारना है, समझे आप लोग, तो ऐसे ही मूवमेंट देनी है, चोक मत करना बिल्कुल भी। एंड अपने बना रखे जिगल के ऊपर आप पूरी जाके डिटेल वीडियो देख सकते हो कि क्या है कैसे करना क्या नहीं। अच्छा चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी होगी तो, नहीं तो इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि क्या क्या है क्या नहीं। तो ADS इन क्लोज रेंज पहला पॉइंट तो ये, ठीक है कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप ADS खोलो, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता आप मूवमेंट दो, तो देखो सिचुएशन समझो, सामने वाला अगर जिगल दे रहा है ना और आप ADS खोलते हो बिल्कुल क्लोज में तो गोलियां डॉज हो जाती है, ठीक है तो डॉज होती है आपकी बुलेट्स तो नहीं लगती है, लेकिन सामने वाला जो मूवमेंट दे रहा है उसकी गोलियां लग जाएगी और आप मर जाओगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से कि आपको जिगल देना है आपको ADS खोलना है या क्या, वो आपको हो जाएगा धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो, उसकी कोई टेंशन मत लो।
आप बस प्रैक्टिस करोगे आपको आराम से पता जाएगा कहाँ एडेस खोलना है कहाँ नहीं खोलना है। जैसे कि मैं ये क्लिप आपको दिखाता हूँ, इस क्लिप में देखो ठीक है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पुश किया, इस बिल्डिंग में मेरे को पुश करना है मिलिट्री की, तो यहाँ पे बंदा है ठीक है, मैंने इसको मारा एंड यहाँ पे आके मैंने एडेस खोला। एंड यू नोटिस वन थिंग, मैंने प्री फायर दिया, यहाँ पर प्री फायर देना जरूरी है, प्री फायर के साथ साथ मैंने एडेस खोला, यहाँ पे एडेस खोलना जरूरी था, यहाँ मूवमेंट नहीं दे सकता, ऐसी सिचुएशन में मूवमेंट नहीं होती है। बट कभी कभी सिचुएशन अगर ऐसी होती कि मैं आगे होता यहाँ पे मिलिट्री में, मतलब यहाँ पे खड़ा होता जहाँ पे मैं अभी हूँ, तो यहाँ पे मेरे को मूवमेंट देनी पड़ सकती थी, क्योंकि वहाँ पे दो बंदे हैं, मैं एडेस खोल के एक को भी गिराऊंगा तो दूसरा मार देगा, तो मेरे को दोनों को मूवमेंट से मारना पड़ेगा, क्राउच मूवमेंट या कुछ भी करके मारना पड़ेगा। तो जहाँ पे सिचुएशन में था वहाँ पे एडेस खोल के मैं आराम से मार सकता हूँ कवर के रह के। तो देखो अगर आपके पास कवर है तो ट्राई करो एडीएस ही खोलो, जिगल मत देना बाहर निकल के, क्योंकि आपकी बॉडी एक्सपोज होती है एक तो उससे, तो ट्राई करो अगर आप कवर में तो एडीएस खोलना है। और मैंने बता दिया आपको एक तरह से कि अगर आप ओपन में हो किसी के सामने फाइट ले रहे हो, आमने सामने फाइट ले रहे हो वन वी वन में, तो बिल्कुल तो जिगल यहाँ पे काम आता है ठीक है। नहीं तो अगर आप कवर में सामने वाला बंदा ओपन से आ रहा है तो आप उसको जिगल मत दो, क्योंकि वो दिक्कत वाली बात है, अगर आप उसको ओपन से आ रहे जिगल दे रहे आप पूरी अपनी बॉडी एक्सपोज करो ठीक है। तो ट्राई करो कि अगर आप कवर में तो एडीएस खोलना है, एंड जिगल आपको तब देना है जब आप बिल्कुल सामने फेस टू फेस फाइट ले रहे हो ठीक है। तो एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, वो था साउंड सेंस के ऊपर। साउंड सेंस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव अ गुड ईयरफोन। बाकी आपके डिवाइस में बहुत से ऑप्शंस होंगे, अगर आपके पास अच्छा ईयरफोन नहीं है तो बहुत से इक्वलाइजर वगैरह होंगे, उसको सेट करके देखो, डिफरेंट साउंड सेट करके देखो, कोई मैच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा हाई वॉल्यूम पे गेम खेलोगे तो समझ आएगा फुट साउंड समझने का ट्राई करो ना, कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, कुछ भी है तो उसको ट्राई करो कि आप समझो, एंड अगर समझ जाओगे दैट्स वेल एंड गुड, उसका आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, अपन से पता चल जाएगा कि बंदा ऊपर है नीचे है राइट है लेफ्ट है, तो उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और नहीं होगी तो आपको पता चल जाएगा प्रीफायर कहाँ देना, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो साउंड सेंस होना जरूरी है, साउंड सेंस इज रियली इंपॉर्टेंट इन क्लोज रेंज, क्योंकि अगर दो तीन बंदे पुश करें तो आपको पता होना चाहिए कि राइट से आ रहे लेफ्ट से आ रहे कौन क्या क्या सब कुछ। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। भाई ये क्लिप देखना ठीक है, इस क्लिप में आपने कुछ नोटिस किया, मैं आपको फिर से एक क्लिप दिखा रहा हूँ। तो देखो इस क्लिप में आपने ये नोटिस किया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेडशॉट्स हैं ठीक है, मतलब क्या एम आपका हेड पे होना जरूरी है, वो बंदा सिर्फ दो तीन बुलेट में गिर गया, क्योंकि हेड ही हेड, ज़्यादा कुछ करना नहीं आपको, बस अपना एम ट्रेन करना है। एम ट्रेन करने के लिए ड्रिल्स बहुत सारी है, आप मेरे चैनल पे भी जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा एम ट्रेन की ड्रिल्स का, वो चेक कर लो, ड्रिल्स है एम एंड रिफ्लेक्सेस के ऊपर, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर एम ड्रिल्स। एंड जो चीज़ है वो आपकी क्रॉस हेयर की ठीक है, आपका क्रॉस हेयर ऊपर रहना चाहिए, हेड के साइड ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे है तो बॉडी पे, अगर आपका क्रॉस हेयर बॉडी पे है सामने वाले बंदे का हेड पे है तो यू आर डेड। तो ट्राई करो कि जितना फोकस कर सकते हो उस छोटे डॉट पे करो जो आपका क्रॉस हेयर का है, वो ऊपर रहना चाहिए, वो जहाँ बंदा है उसके हेड पे रहना चाहिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू विन एनी क्लोज कॉम्बैट फाइट, एम हेड पे है तो बहुत आसान हो जाएगा यार आपके लिए फाइट लेना, बस आपको थोड़े से मूवमेंट वगैरह दिखानी पड़ेगी, बस दिमाग लगा के मारना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट ये है कि हम लोग जो क्राउच है अपना जो प्रोन है, ये बटन बहुत कम यूज़ करते हैं, ये बटन बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप प्रोन तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है कभी कभी, जैसे कि आप पे दो तीन बंदे चढ़ चुके हैं आपको बिल्कुल सामने, तो आप प्रोन हो जाओगे तो एक चांस होता है कि आप मार सकते हो, तो हम वो यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम खड़े रहते हैं एक जगह पे एंड वेट करते हैं उनके आने का, फिर जिगल भी दे देंगे तो दो तीन बंदे एक साथ फायर अगर कर रहे हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ट्राई करो कि अपना क्राउच, अपना प्रोन बटन, अपना लेफ्ट राइट स्कोप वो बटन सब यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। ड्रॉप शॉट जो है बहुत लोग यूज़ करते हैं, अगर दो तीन बंदे सामने पुश करें तो एक गिरा दिया फिर बाकी को ड्रॉप शॉट मार दिया, हेल्थ लो है ड्रॉप शॉट मार दिया, तो ये यूज़ करना स्टार्ट करो, ड्रॉप शॉट वगैरह यूज़ करो, क्राउच होकर मारो, काफ़ी हेल्पफुल है ये सब मूवमेंट की ड्रिल्स, इनकी प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग में जाके, ड्रॉप शॉट की प्रैक्टिस कर लो ट्रेनिंग में जाके, ड्रॉप होके गोलियाँ चलाओ सब प्रैक्टिस करो, सब ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है अपना ड्रॉप शॉट वगैरह, आपके कितने जल्दी रिफ्लेक्सेस हैं वो हेल्प करता है इसमें, रिफ्लेक्सेस ट्रेन करने की भी बहुत सी वीडियोस हैं मैंने बना रखी है, चेक कर सकते हो जाके, एम की और रिफ्लेक्सेस की एक ही वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, आपके रिफ्लेक्सेस और एम काफ़ी हेल्प हो जाएगी उसकी, उसकी टेंशन मत लेना। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि ड्रॉप शॉट वगैरह कितने हेल्पफुल है, आपके क्राउच कितने हेल्पफुल है, आपको पता चल गया आपका साउंड सेंस कितना मेन रोल प्ले करता है, आपका एम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम है, मूवमेंट है, मूवमेंट पे वर्क करो, अपने एम पे वर्क करो। जिगल की वीडियो भी मैं बता दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एम की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं,
दोनों चेक कर लो जाके, दोनों में आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसकी डेली प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। बात होती है साउंड सेंस की, देखो साउंड सेंस का मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर ईयरफोन अच्छे नहीं है तो उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो ट्राई करो कि सेफ वेव कर लो, थोड़ा सा अच्छे ईयरफोन ले लो, क्योंकि उसी से आपकी हेल्प होगी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना साउंड के खेलना। अगर साउंड अच्छा नहीं है तो डिफ़िकल्ट होता है बहुत, आप साउंड ढंग से नहीं सुन पाते हो। एंड एक चीज़ और है, आपका डिवाइस बहुत लैग होता है, बहुत बंदों के पास लो एंड डिवाइस है। तो ब्रो आप देखो अपने अननेसेसरी ऐप्स वगैरह डिलीट करो, अपनी रैम क्लियर करो एंड ट्राई करो GFX टूल वगैरह लगा लो, बहुत लैग होता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड बहुत लोग नहीं ले सकते अभी फ़ोन वगैरह, तो कोई बात नहीं, आप ट्राई करो कि अननेसेसरी जितने भी ऐप्स सब डिलीट कर दो, क्योंकि लैग होता है। आप क्लोज कॉम्बैट में लैग बियर नहीं कर सकते, क्लोज कॉम्बैट में एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लैग हो गया तो गेम ख़त्म। तो ट्राई करो सारे अननेसेसरी ऐप्स डिलीट कर दो अपने फ़ोन से वगैरह, क्लियर कर दो पबजी वगैरह का एंड ट्राई करो। अगर बहुत लैग होते तो GFX यूज़ कर लो ब्रो, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। इज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो गाइज मेक श्योर टू लीव लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर जरूर करना वीडियो को, बताओ कैसी लगी, कमेंट करो, डाउट वगैरह है कुछ भी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। एंड चलो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, बेल बटन जरूर दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।